गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर जिस तरह की सरगर्मी आपने लगातार प्राइम एटी न्यूज चैनल पर देखी है, वैसा ही माहौल आज के मतदान दिन की पल पल की खबर आपको सिर्फ प्राइम एटी न्यूज चैनल पर देखने को मिलेगी। यहां राजनीति के धुरंधरों ने भी अपने अपने खेमे को सपोर्ट करने का पूरा पूरा आश्वासन और साथ मिलकर कचहरी में उन प्रत्याशियों को समर्थन दिया है, जिसमें लोनी विधायक नंद किशोर गुज्जर ने भी वकीलों के इस चुनाव में आकर अपनी उपस्थिति दिखाकर इस चुनाव को एक अलग ही रंग दिया है। इसको लेकर प्राइम एटी न्यूज के संवाददाता ने उनसे बातचीत की, देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। गाजियाबाद से दिलशाद और राहिल के साथ अबशार उलकी, खास रिपोर्ट। बार एसोसिएशन गाजियाबाद चुनाव में आज की जो भागीदारी को देखा जाता है कि वो लगातार हम कवरेज भी कर रहे हैं, आप उसमें लगातार देख भी सकते हैं, लेकिन आज जो सियासी हैं वो विधायक जी आए हैं, वो बताएंगे कि आखिर इस चुनाव का पैटर्न को लेकर वो क्या यहाँ अपना कर्तव्य दे रहे हैं। देखिए, देश में जो भी व्यवस्थाएँ काम कर रही हैं वो गरीब के उत्थान के लिए, गरीब के भले के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। बार का जो चुनाव है और जुडिशरी है, इसमें भ्रष्टाचार ना हो इसलिए लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुना जाता है। अगर पहले वाले ने अच्छा काम नहीं किया है और जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए उन लोगों को न्याय नहीं दिया है, तो लोग देखते हैं कि उसकी इमेज क्या है, बदलाव करते हैं। तो आज हारने वाले और जीतने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दोनों को बधाई, और जो बनेगा, क्योंकि लोकतंत्र है और सारे लोग जब चुनते हैं एक मास जो जिसकी तरफ वोट जाएगा तो निश्चित तौर पर वो काम करेगा। और गाजियाबाद की बार अपने आप में बहुत मशहूर बार है, बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे यहाँ लोग अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वकील उसके लिए खुद अपने पैसे पर, अपने खर्च पे लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मेरा एक सवाल है कि काफ़ी वकीलों को परेशानियाँ आती हैं फर्दर अलग भी, तो उन परेशानियों को लेकर अगर विधायक जी से अगर उनकी मदद रहेगी तो विधायक जी उसमें क्या करना है? मैं तो खुद वकील हूँ, तो परेशानी आएगी तो मैं सबसे पहले खड़ा हूँ, इसका क्या बात है। पहली बार परेशानी वैसे यहाँ आती नहीं है, आएगी तो जिला प्रशासन, सरकार ऐसा नहीं है, हमारी जो सरकार है वो वकीलों के लिए आपने देखा भी होगा अलग से बहुत ज़्यादा अपने आप ही बहुत अवेयर है, क्योंकि जो हमारे कानून मंत्री हैं वो खुद वकील हैं, तो इसलिए वो कोई चिंता करने की बात नहीं है। और हम हैं तो गाजियाबाद में फिर दिक्कत क्या है।